सलामो अलैकुम। अलैकुम, आज मैं आपको दुपट्टे में लेस के साथ फ्लावर कैसे लगाए जाते हैं ये बताऊंगी। इसके लिए मेरे पास है दुपट्टा, सूता और ये फ्लावर्स हैं। अब बुनाई के लिए क्रोशिया लीजिए। अब मैं शुरू कर रही हूँ इसमें दुपट्टे में जो लेस फ्लावर जो लटकाए जाते हैं इसमें, ये पल्लों में होता है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ किनारे से शुरू करेंगे। ये क्रोशिया ऐसे इसमें दुपट्टे में डालेंगे और सूता इसको ऐसे बाहर इसमें ला के और इसमें ये ऐसे चेन बना लेंगे। इसके लिए इसमें एक एक करके ये 10 चेन बुनेंगे। ये 10 चेन बुनी, आइए फ्लावर लिया। फ्लावर की यहाँ पीछे से ये इसमें से क्रोशिया से ऐसे इसको निकालेंगे, ऐसे निकाल के और इसमें से ऐसे ये निकाल के देखिए और ये बनाया। फिर जैसे 10 चेन यहाँ शुरू में बनाइए, इसी दोबारा फिर 10 चेन ये बनाई और इसको थोड़ा गैप करके ऐसे यहाँ पे ऐसे वी शेप में यहाँ से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, ये फ्लावर इसमें एक आ गया। अब ये इसमें थोड़ा फ्लावर पास पास नहीं हो इसलिए थोड़ा सा इसमें बुनाई करके इसको कंगूरे की तरह इसको 5-5 चेन बुन के और ये ऐसे कंगूरा ये बनाया। ये देखिए, मैंने ये 3 बनाए। इसके बाद फिर ये 10 चेन बुनी अब फिर ये एक फ्लावर लेके और इसके पीछे से ये क्रोशिया इसमें निकाला और इसको इसमें ऐसे फंदा ऐसे निकाल लिया। निकाल के फिर 10 चेन बुनी। ये बुन के अब इसको फिर इसमें यहाँ से ऐसे वी शेप में इतना गैप करके वी शेप में इसको यहाँ से निकालेंगे और इसको दुपट्टे में से ऐसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये इसी तरह फिर 5 चेन बुन के ये एक कंगूरा बुनेंगे। पांच पांच चेन बुन के ये ऐसे, ये देखिए, ये फिर तीन कंगूरे बुन लिए। अब फिर इसको फ्लावर लगाना है तो इसके लिए फिर हमको 10 चेन बुननी पड़ेगी और फ्लावर इसमें ये लगेंगे। इसमें ये फ्लावर के पीछे से इसमें क्रोशिया से डाल के और ऐसे इसमें से निकाल लिया। ये फिर ये 10 चेन बुनी और इसको वी शेप में लाके और इसमें से ऐसे निकाल के इसमें और ये 5 चेन बुन के इसको कंगूरा ऐसे बनाएंगे। 5 चेन बुन के ऐसे ही कंगूरा बनाया ऐसे करके। फिर 10 चेन बुनी और ये फ्लावर लेके इसको फ्लावर के पीछे से ये क्रोशिया से डालेंगे और इसको ऐसे सूता निकालेंगे। इसको फिर इसको वापस दोबारा से 10 चेन बुन के और वी शेप में इसको ऐसे इसमें बुनते चले जाएंगे।
इसी तरह हमको पूरा पल्ला बुनना है। इसी तरह ये तीन तीन हर तीन कंगूरे के बाद एक फ्लावर लगाना है। देखिए ये ऐसे इसमें क्रोशिया डाल के और सूता इसको पीछे से ऐसे निकालेंगे और ये फिर ये हो जाएगा। फिर इसको देखिए ऐसे ये दोबारा वी शेप में ये ऐसे वी शेप आएगा। इसको यहाँ डाल के ये हर फ्लावर के बाद ये तीन कंगूरे बुनने हमको। अब ये अपनी मर्जी पर है, आप ज़्यादा गैप देंगी तो पांच कंगूरे भी कर सकती हैं। अगर दूर दूर फ्लावर लगाने हैं आपको फ्लावर तो ये अपनी मर्जी से आप बना सकती हैं। आइए जो ये मैं 10 चेन बना रही हूँ, अगर ज़्यादा लंबा नीचे तक आपको लटकाने हैं तो इसको आप 15-20 चेन बुन सकती हैं। ये देखिए, लेकिन यह है जितने शुरू में 10 चेन बुनी तो 10 फ्लावर लगाने के बाद भी, अगर 15 करेंगी तो 15 फ्लावर के बाद भी सेम नाप रहनी चाहिए। इसको देखिए ऐसे ये वी शेप में इसको लटकाना है। ये देखिए ऐसे इसको लगाते हैं। इसको ऐसे ये देखिए तीसरा कंगूरा हो रहा है। अब फिर फ्लावर लगाने हैं तो इसके लिए फिर हमको 10 लंबी चेन बुननी पड़ेगी और ये फ्लावर इसमें लगा के इसमें ऐसे निकाला और निकाल के इसको फिर 10 ये देखिए ये फिर वी शेप में ये लगाया और फिर कंगूरा बुना। ये देखिए कि करके ये तीन ये 10 हर फ्लावर में ये देखिए फ्लावर के पीछे से क्रोशिया निकाला और इसको ऐसे निकाल के और इसको ऐसे बनाए। ये इसको वी शेप में लगाएंगे। फ्लावर लगाने के बाद ये ऐसे छोटे छोटे कंगूरे बना लेते हैं। अब आप तीन बनाइए या पांच बनाइए, जितना गैप करना है ये अपनी मर्जी पर है।
फिर फ्लावर लगाना है। एक फ्लावर लिया और इसके यहाँ पीछे से ही ऐसे क्रोशिया डाल के, और ये इस तरह होगा। ये देखिए वी शेप में बनाया मैंने। इसी तरह ये पल्ला पूरा ऐसे हो गया, और इसको ऐसे इसमें करके इसमें से सूता ऐसे बाहर निकालेंगे, इसको पक्का करेंगे, इसको पक्का करके और इसको ऐसे ये करेंगे। देखिए देखिए दादी, ये पूरा ये मेरा दुपट्टा पूरा ये पल्ला हो गया है। और इसको आप इसी तरह दूसरे साइड में भी बना सकती हैं, और अगर चाहेंगी तो कमीज़ के आस्तीन स्लीव में भी। और ये देखिए ना, ये हमारा देखिए, ये हो गया, ये देखिए हमारा ये पल्ला हो गया है। और उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और मैं दूसरा डिज़ाइन लेके हाजिर होंगी।